हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने ही मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड करके बताता हूँ और कैसे डाउनलोड करते हैं आप भी कर सकते हैं किसी का भी। चलिए, उसके लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में। और यहाँ सर्च बार में टाइप करना है आपको UIDAI। टाइप करने के बाद सर्च कीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगी UIDAI, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश कर। चलिए मैं इंग्लिश में करके बताता हूँ। इंग्लिश यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। अपने को ये सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, ये सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा गेट आधार के नीचे ये थर्ड नंबर पर डाउनलोड आधार, ये डाउनलोड आधार, इसके आगे आएगा चेक आधार स्टेटस। आपने आधार नहीं अपडेट करवाया तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। चलिए मैं डाउनलोड आधार करके बताता हूँ। डाउनलोड आधार पर क्लिक, डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद नीचे जाइए, नीचे स्क्रॉल करते जाइए और नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको डाउनलोड आधार, इस पर अपने को क्लिक करना है। डाउनलोड आधार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो भी नंबर था अपना पुराना आधार का, वो नंबर आपको यहाँ डालना है और अपने को कैप्चा फिल करना है। चलिए मैं नंबर डाल के बताता हूँ। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है, कैपिटल DWS। ये कैप्चा इस तरह से नहीं आता, आपने को कुछ भी नंबर डाल देना है, 2-6 नंबर, तो अपने को उस हिसाब से वापस से कैप्चा फिल कर देना है। I5G इस तरह से आप भी कैप्चा फिल कर सकते हैं अगर कैप्चा अगर शो नहीं हो। उसके लिए सेंड OTP पर क्लिक करना है। अपना कैप्चा कुछ गलत हो गया, फिर से मैं फिल करता हूँ कैप्चे को जी। फिर से कैप्चा गलत हो जा रहा है, यानी अपने ने कुछ गलत फील्ड कर दिया। आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा कैप्चा आप सही से फील्ड हुआ है। अब यहाँ पे एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आप वेरीफाइड एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। OTP के लिए अपन वेट कर सकते हैं। OTP आ चुका है हमारा।
OTP फील्ड करने के बाद आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। हेलो दोस्तों, ये हमारा आधार डाउनलोड हो चुका है। और आप बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट में कन्फ्यूज़ होता है कि आधार कैसे खोले, इसके लिए इसने यहाँ पर दे रखा है आधार लेटर PDF पासपोर्ट विल बी 8 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ द ईयर फर्स्ट लेटर ऑफ योर नाम अस कैपिटल, यानी अपने नाम का 4 अक्षर डालना कैपिटल और अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका लास्ट ईयर डाल देना है। और आप यहाँ से देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए।